नमस्कार, विन्ध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। खबर सिंगरौली से है, जहां जिले में वार्ड क्रमांक 13 हल्का पटवारी विपिन त्रिपाठी के द्वारा किसान का काम किए जाने को लेकर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिले में पटवारी के रिश्वत लेने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पटवारी के द्वारा पैसे लिए जाने के सैकड़ों मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पटवारी के ऊपर कार्यवाही न होने से पटवारी का हौसला बुलंद था और यही कारण है कि एक बार फिर पटवारी अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में है। जहां पटवारी के द्वारा वीडियो में स्पष्ट रूप से यह बात कही जा रही है कि 10,000 रुपये दिए जाने के बाद ही काम किया जाएगा। इसके बाद पटवारी यह कहते नजर आ रहे हैं कि हम आपको आदेश लाकर देंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसान के द्वारा पर्स से पैसे निकालते हुए व पटवारी के बैग में पैसे डालते हुए भी देखा जा रहा है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल होने के कारण तरह तरह की बातों का दौर अब शुरू हो गया है। वहीं मामले पर सिंगरौली के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा है कि वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, जिसको लेकर अपर कलेक्टर DP बर्मन को जाँच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जांच में यदि रिश्वत लिए जाने की बात सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से पटवारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर, एक पटवारी का 10,000 रिश्वत लेते हुए वीडियो करने थे, वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर, कौन है पटवारी और किस लिए पैसे ले रहे थे, क्या कुछ करने जा रहे हैं सर उनके लिए? अभी एक जानकारी संज्ञान में आई है और उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी जाँच करने हेतु हमने DM को निर्देशित किया है कि जाँच करेंगे और उसमें जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसके उपरांत कार्रवाई। इसमें जो आपने जानकारी दी है उसमें उसके अनुरूप जो है वो जाँच कराएंगे, उसमें आगे कार्रवाई। Thank you.